जयपुर में कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर जयपुर में प्रतीकात्मक भारत जोड़ो पद यात्रा निकाली गई। यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। ये यात्रा जयपुर में त्रिपोलिया गेट से रामनिवास गार्डन तक निकाली गई और इसमें मुख्यमंत्री गहलोत के साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कई विधायक पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इससे पहले गहलोत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गहलोत ने पंडित नेहरू को कुशल राजनेता व महान विचारक बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम गहलोत ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ एक कुशल राजनेता थे बल्कि एक महान विचारक, दूरदृष्टा और आधुनिक भारत के निर्माता भी थे। उन्होंने ही IIT, IIM, ICAR, इनकोस्पायर जैसे आधुनिक शिक्षा के मंदिरों की नींव रखी, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए बिजली घरों, भाखड़ा नंगल जैसे बांधों का भी निर्माण किया। सौभाग्य है कि पूरे देश का जो आज ढांचा बन गया है धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर राजनीति करना सबसे आसान होता है और सब वर्गों को सब जातियों में लेके राजनीति करना चुनौती भरा होता है। इस रूप में आज देश चल रहा है और धीरे धीरे जो इन्होंने गुमराह कर रखा देशवासियों को अब लोग समझ गए हैं। राहुल गांधी की यात्रा में बीजेपी के बीजेपी को खुद को विस्तृत कर दिया है। बीजेपी को चिंता में आ गई है और इसलिए अपना एजेंडे बदल रही है। राहुल गांधी की यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो मुद्दे देश के सामने है, महंगाई का मुद्दा पूरे देश के सामने है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत भयंकर पूरे देश के सामने है, और देश वाले मुद्दे को लेके यात्रा का मार्ग जो बना हुआ है उस मार्ग में चलेंगे। और राहुल गांधी का संदेश देश के हर राज्य में, हर गांव में, हर ढाने में पहुंच चुका है। सब चाहते हैं देश में शांति सद्भावना रहे, प्यार मोहब्बत हो, वापस करेंगे, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो। पंडित नेहरू का तो अगर आप विचार पढ़े हैं, आजादी के प्रथम प्रधानमंत्री बनते ही तो आप पाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने उस पर दूरदृष्टि रखी, देश की मजबूत इतनी जड़ें मजबूत करी, आज उस पर देश खड़ा है। सोशल मीडिया कौन देखे है? राजीव गांधी का सपना था कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, वो क्रांति हो गई। एमपीटर को लेके आए वो अमेरिका से, टेक्नोलॉजी मिशन बनाए यहाँ पर। मैं तो गृह मंत्री था, मुझे मालूम है किस प्रकार से उनकी सोच थी, क्या सोच थी, और आज ये उसको पूर्ण बोल रहे हैं। और सबसे दुखी बात यह है, मोदी जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप इतिहास को पहले के इतिहास जो सच्चाई का है उसको अगर आप कमजोर करोगे, तोड़ोगे, मरोगे, तो आप मान के चलो आपका इतिहास भी आने वाली पीढ़ियाँ वही आपके हर दबाव करेगी। अगली पीढ़ी वही सीखती जो हम सिखाते हैं उनको, आप समझे। और ये तो बात करना पसंद भी नहीं करते, नफरत करते हैं लोग, क्योंकि तो जैन में पता नहीं कितना भरा हुआ है, जैन भरा हुआ है इनके जैन के अंदर, ये इनकी संस्कार ऐसे बन गए हैं। और लास्ट बात है, चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे लोग, अब इनकी चाल कहाँ चली गई, बदल गई, चेहरा बदल गया और चरित्र बदल गया। इतना भयंकर तरफने जड़े लोग आरोप हमें लगाते हैं, लूटते हैं देश को, लूटते हैं, इनकम टैक्स यदि सीधे दौड़ क्यों कर रहे ऊपर से,